Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon. भारतीय अफीम किसान विकास समिति के बैनर तले आज दिल्ली के जंतर मंतर पर अलग अलग राज्यों से आए किसानों ने किया धरना प्रदर्शन। हमने धरना प्रदर्शन कर रहे किसानों से बात की। मांगीलाल मेघवाल बिलोट, किसान पुत्र, शिक्षक संरक्षक, भारतीय भीम किसान विकास समिति, राजस्थान, मध्य प्रदेश। हम लोग 1998 से इकट्ठे हुए, 2019 तक सारे पट्टे बहाल चाहते हैं और मार्फिन नियम जो हम जानते ही नहीं है। जैसे सातवीं क्लास के बच्चे को सातवां पाठ पढ़ाया ही नहीं जाता और उसमें से प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो हम चाहते हैं मार्फिन अगर वास्तव में चाहिए तो आप डेमो दे दो, और अगर नहीं है, आपको भी पता नहीं, वैज्ञानिक को पता नहीं, अधिकारी को पता नहीं, जनप्रतिनिधियों को पता नहीं, तो हमारे ऊपर मार्फिन का ये नियम लादकर सरकार पट्टे काटना चाह रही है। यानी कि जो आपकी जमीन है उसमें जबरदस्ती पट्टे काटे जा रहे हैं। पट्टे काटे जा रहे हैं तो उसका विरोध करने आज आप दिल्ली के जंतर। हाँ, कटे हुए पट्टे। कहाँ कहाँ से आप लोग आए? हम राजस्थान और मध्य प्रदेश के 11 जिलों के किसान हैं, चित्तौड़, हाँ उत्तर प्रदेश के भी है। अफीम खेती, अफीम अफीम की जो खेती होती है, नारकोटिक्स के द्वारा संवैधानिक अधिकार पत्र दिया जाता है, पट्टे दिया जाता है, औषधि पौधा, इससे दवाइयाँ बनती हैं 400 प्रकार की। लेकिन सरकार के सभी नहीं, कुछ भ्रष्ट नारकोटिक्स के अधिकारी, एससीबी की रेड पड़ी है, उन अधिकारियों के पट्टे पड़े हैं, उनका भ्रष्टाचार भी उजागर हुआ है। और नीति जो है, अफीम खेती तो किसान करता है और उसकी नीति नेता और अधिकारी मिलकर बनाते हैं। हम चाह रहे हैं कि इधर एक साहब ने नेता बैठ जाए, एक अधिकारी बैठ जाए और पाँच किसान बैठ जाए तो नीति बनाए, और किसान की समस्या किसान रखे और किसान की ये बात सुनते नहीं है, अपनी मनमर्जी से नीति बना देते हैं। ये उम्मीद किससे कर रहे हैं आप? ये हम वित्त मंत्री से कर रहे हैं। और मोदी जी का जो सपना है मेक इन इंडिया, मोदी जी का मेक इन इंडिया का मतलब ये होता है कोई भी चीज़ भारत में पैदा हो रही है तो बाहर से नहीं मंगाना। और ये भ्रष्ट अधिकारी क्या कर रहे हैं कि इनको कमीशन खाना है, इनको कमीशन खाना, तो भारत की बढ़िया अफीम है, भारत की बढ़िया अफीम को ये खड्डिया बता रहे हैं। हाँ जी जी सर, क्या नाम है आपका? राम नारायण जाट, नाम है मेरा जाजड़िया जी। मैं गाँव बोरी, तहसील जिला प्रतापगढ़, राजस्थान में रहता हूँ। भारतीय अफीम किसान समिति का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और ये 15 जिलों में जहाँ अफीम की खेती होती है वहाँ सभी हम लोग, हमारे वो सब किसान हमारे साथ हैं। कितने किसान होंगे लगभग? कम से कम 1,60,000 किसान अफीम की खेती करते थे, अभी इन्होंने 70,000 ही दे रखे हैं और बाकी के बंद कर रखे हैं। बंद कर रखे? हाँ। तो हम क्या समस्या आप लोगों के सामने है? ये सब लोग भ्रष्टाचार की वजह से हमारे बहुत सारे लोगों को पट्टे काट दिए हैं, मार्फिन नीति गलत लगा रहे हैं। पट्टे काटे गए हुए किसको दिए? काट के किसी को नहीं दिए, इन्होंने सब विदेशों से मंगाने शुरू कर दिए और भारत में कम कर दिए दवाइयाँ बने। हाँ, विदेश से दवाइयाँ आ रही का विरोध आज यहाँ पे आप? हाँ बराबर, उसका मार्फिन का विरोध कर रहे हैं हम कि मार्फिन नीति बंद करो। लक्ष्मीलाल पुष्करना, मैं जिला अध्यक्ष हूँ भारतीय अफीम किसान विकास संघ का। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ साहब, किसानों के जो पट्टे काटे जा रहे हैं तो किसानों को पता ही नहीं रहता मार्फिन कैसे बैठ दिए। अब हमारी गुजारिश है कि एक बार हमारे जो साइंटिस्ट हैं इनके पास, तो नीचे साइंटिस्ट हमारे गाँव में डेमो लगवाए, उससे पता चले कि मार्फिन बैठ रही नहीं बैठ रही। दूसरी बात ये, हमारे जो उदयपुर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है वहाँ भी लाइसेंस है अफीम का, तो वहाँ मार्फिन नहीं बैठी तो किसानों के कैसे बैठेगी? वहाँ तो अच्छे अच्छे साइंटिस्ट भी है, वैज्ञानिक है, सब कुछ है, सारी सुविधा है, दवाइयाँ मिलती, हमारे किसानों वहाँ मार्फिन नहीं बैठी और किसानों के पट्टे जारी काट रहे बार बार और वहाँ के पट्टा बराबर दे रहे, ये कौन सा कारण नीति कौन सी? तो अभी आप यहाँ जैसे दिल्ली के जंतर मंतर पे और मैं देख रहा है एक प्रदर्शन आप लोगों का चल रहा था। हाँ जी, तो किससे उम्मीद कर रहे हैं प्रदर्शन करके, कहाँ सुनवाई होगी? हम मोदी जी से कर रहे हैं। तो मोदी जी को ज्ञापन देने? हाँ, मोदी और वित्त मंत्री। तो आपको उम्मीद है आपकी मांगे सुनी जाएगी? हाँ, सुनी जाएगी, हमको उम्मीद है। आपकी मांगे नहीं सुनती तो उसके आगे हम और आगे करेंगे। क्या करोगे? धरना प्रदर्शन और आगे करेंगे जी। सर्वप्रथम तो जो मांगे हैं जो लगभग 11 साल से हैं और चित्तौड़ के अंदर लगातार 335 दिन से किसानों ने धरना दिया है, ये मांगे पूरी करें और सरकार और अधिकारी हमें आकर बताएं कि मार्फिम का नियम कैसे बैठेगा और मार्फिम की खेती कैसे, अफीम की खेती कैसे होगी और कैसे मार्फिम बैठेगी, हम उसके अनुकूल करेंगे और भ्रष्टाचार समाप्त हो और भ्रष्टाचार की CBI जाँच हो और इसके अंदर अगर हम किसान दोषी हैं तो हमें सजाओ और अधिकारी और नेता दोषी हैं तो उनको सजाओ, बस हमारी यही उम्मीद है और हमें विश्वास है कि हम आज दिल्ली की धरा पर आए जंतर मंतर पर तो हमारी मांगे पूरी होगी। धन्यवाद मीडिया का, बहुत बहुत आभार जी। आइए जी, क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं चंद्र प्रकाश बारेखमा, चित्तौड़ जिले का कपासन गांव का रहने वाला हूं। मैं चाहता हूं कि किसानों की जो मांगे हैं पूरी करें
जो मारपीन की मांग करें, मारपीन का जो नियम बनाए वो हटाया जाए और किसानों को अंतर्राष्ट्रीय भाव दिलाया जाए जिससे वो उनका घर बसर अच्छी तरह चला सकें, इससे कोई पैदा नहीं हो रही है। दूसरा मैं कहता हूँ कि जो एग्रीकल्चर के लोग हैं, खेती करने वाले जो दिए ग्राम साथी, उनको बताया जाए, उनको कहा जाए, उनसे खेती कराई जाए कि मारपीन कैसे बैठती है, कैसे बैठे, वो उनको गाँव में जाके सिखाए, ऐसे करे, पहले सरकार बिठाए मारपीन। मैंने सरकार के मतलब चार आदमियों का माल गया फैक्ट्री में, चारों में से कोई एक ही तरह का माल मिलावट करके, एक आदमी के चार लाइसेंस है तो चारों को माल एक साथ मिला के ले गए, तो उनकी अलग अलग रिपोर्ट कैसे आई? जब माल समान दिया तो फैक्ट्री रिपोर्ट गलत बता रही है, ये खुद नहीं बता पा रहे कि क्या है। अधिकारी है वे भ्रष्ट है, भ्रष्ट अधिकारी है, कौन अधिकारी है वे? वो जो अधिकारी फैक्ट्री के हैं, जो भी अधिकारी है वो भ्रष्ट है, पता ही नहीं पा रहे, वो खुद समझ नहीं पा रहे कि क्या है। आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? हम तो उम्मीद ये कहते हैं कि मारपीन हट जाए, औसत के आधार पर पहले दे रहे हैं वैसे दिया जाए, या हमको समझाया जाए कि मारपीन ऐसे बैठती है। जो एग्रीकल्चर जो उदयपुर में है विश्वविद्यालय, किसानों को कुछ नहीं बताया जाता, उनका माल उठा लिया जाता है, उसके बाद रिजेक्ट कर देते हैं, माल उठा लिया जाता है, चोरी करते हैं सर, काठुंदा मोड़ पे नो कैन चोरी करते हैं और पकड़ाए, और जो जीसीबी आई जयपुर से अधिकारी लोग आटे की पेटियों में नोट पकड़ाए, उनके बिस्तरों में नोट पकड़ाए, ऐसे भ्रष्ट वाला करते हैं किसानों के साथ में। हाथ उठा के नारे, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, अच्छा से कट्टे पट्टे बाल करो, बाल करो, बाल करो, अच्छा से कट्टे पट्टे बाल करो, बाल करो, बाल करो, अच्छा से कट्टे पट्टे बाल करो, बाल करो, बाल करो, हर भी नियम समाप्त करो, समाप्त करो, समाप्त करो, हर भी नियम समाप्त करो, समाप्त करो, समाप्त करो। आजाद तोमर की रिपोर्ट, हर खबर दिल्ली। लाइक शेयर एंड कमेंट, टू सब्सक्राइब दिस चैनल प्लीज प्रेस द बेल आइकन।